और आप सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस की पीसी में। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संदेश है वो जाए, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से दिल्ली से जो मीडिया की खबर चलती है वो दिल्ली में ही रह जाती है, यूं कहिए कि शहरों तक चलती है। आप सभी जो हमारे साथी हैं, हमें ये विश्वास है कि आपकी खबरें पंचायतों तक पढ़ी जाती है, बूथ तक पढ़ी जाती है, और जिन लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है वो पंचायत में ज़्यादा संघर्ष कर रही होती हैं। आप जानते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। 2014 से जो सरकार बनी वो 9 साल के बाद उनको ख्याल आया कि महिला आरक्षण विधेयक लाना चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, किंतु बहुत सारी बातें जो है वो कहना इसलिए आवश्यक है कि आप जो हमने बिल लाया था पहले, आप उसको क्यों नहीं लेकर के आ गए? जो एक सदन से पास हो चुका था उसको आपको लेकर के आना चाहिए था। जो 2010 में हम लोगों ने राज्यसभा में बिल पारित किया था वो कहाँ है? उसको लोकसभा में ला करके आपने क्यों नहीं पारित करा लिया? इसी से ये पता चलता है कि आपकी नियत में खोट है। हमारी नेत्री आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए यह साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात या उसको लागू करने को लेकर काम करती है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश की आदि आबादी के संदर्भ में सदन के अंदर चर्चा करते हुए साफ तौर से कहा है कि धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने अब मंजिल को छू ही लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा गया है। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेमानी की शिकायत कभी नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और थक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं खून पसीने से सींच कर हमें अपने बारे में सोचने लायक बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की ये बातें स्पष्ट करती हैं कि हमें कितनी संजीदगी से महिलाएं लेती हैं। बावजूद लोग जब भी उनका कोई विधेयक आता है तो उसमें कोई ना कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश होती है, और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण में स्त्रियां हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखें तो सरोजनी नायडू जी हों, सुचेता कृपलानी जी हों, अरुणा आसफ अली जी हों, विजया लक्ष्मी जी पंडित जी हों, राजकुमारी अमृत कौर जी हों और उनके साथ तमाम लाखों लाख महिलाओं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाने का काम किया है। इंदिरा जी का व्यक्तित्व
खुद में ही दूसरों को रोशन करने वाला था, उसका जिंदा मिसाल हम लोगों ने तो देखा है और उनकी कुर्बानी से देश में जो अमन चैन शांति आई है वो किसी से छुपा नहीं है। देश में अमन चैन और शांति लाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक देना मुनासिब समझा। अधिनियम के संदर्भ में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन स्वर्गीय राजीव गांधी जी की द्वारा ही लाया गया था, जो सिर्फ 7 वोटों से गिर गया था। बाद में कांग्रेस के सरकार के ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में इस बिल को पारित कराया था और इसी संशोधन का परिणाम है कि देश भर में स्थानीय निकायों में 15 लाख निर्वाचित महिला नेत्री मौजूद हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पूर्णतया समर्थन करती और इस बिल के पारित होने से बेहद प्रसन्नता होगी, परंतु इसके साथ साथ पार्टी चिंतित है कि महिला शक्ति विगत 13 वर्षों से राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रहा है, उन्हें और इंतजार करने को कहा जा रहा है। आधी आबादी के साथ सरकार का यह व्यवहार सर्वथा अनुचित है। इसी मसले पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।